हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम अपने साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने इस प्लेलिस्ट में अपनी यूनिट नंबर 1 कवर कर ली है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 से 7 तक कवर करी थी। 0th लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन का रहा था, जिसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया था। अभी हमारा 8th लेक्चर है इस सीरीज का। अब इसमें हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 का नाम है साइबर क्राइम। ऑल्दो हमने यूनिट नंबर 1 में साइबर क्राइम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, एंड वाइल ऑन द अदर हैंड कुछ स्मॉल टर्म्स थे साइबर ऑफेंस से रिलेटेड, अटैक वेक्टर्स, सोशल इंजीनियरिंग, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब जो आपका ये सब्जेक्ट कोड है, अगर आप इसे थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं तो इसका BCC 301 होगा, अगर आप इसे फोर्थ सेमेस्टर पढ़ रहे हैं तो BCC 401 रहेगा। और बेसिकली आपका AKTU यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है। तो यूनिट नंबर 2 में हम जो पढ़ने वाले हैं साइबर क्राइम ही उसका नाम है, बट जो हमारा मेन फोकस रहेगा यहाँ पे वो रहेगा मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस के ऊपर। मोबाइल तो आप सब लोग जानते होंगे, आप सब लोग नॉर्मली यूज भी करते हैं, और वायरलेस डिवाइसेस भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ऑल्दो काफी लोगों को पता होगा वायरलेस डिवाइसेस क्या होती है, आप इस फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं। मोबाइल्स हैं, ये टैबलेट्स हैं, लैपटॉप है, और ये अलग अलग डिवाइस हैं, कैमरास हैं। तो बेसिकली हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 में, बिकॉज इन सबको ही मिलाकर के एक वायरलेस एनवायरमेंट क्रिएट होता है। तो अभी जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा मोबाइल फोन्स, टैबलेट, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, इन पर रहने वाला है। तो यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, अभी जो हमारा एरा चल रहा है यानी कि मॉडर्न एरा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कौन कौन से होते हैं ऑलरेडी आपको पता होगा गैजेट्स क्या होते हैं, जिनको नहीं पता तो बता दो। जैसे कि मोबाइल है आपका, मोबाइल आपका एक गैजेट होता है, कोई लैपटॉप है वो आपका गैजेट होता है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, हैंड हेल्ड डिवाइस इंपॉर्टेंट टर्म है याद रखना, अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या होता है। हैंड हेल्ड डिवाइस क्या होता है, जो हाथ में आराम से आ जाते हैं, ऐसे डिवाइसेस हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल है आपके हमेशा हाथ में रहता है, तो वो आप एक तरह से एक हैंड हेल्ड डिवाइसेस हो गया। सो अब जो मोबाइल है किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इंडिविजुअल का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हो गया है। इंटीग्रल पार्ट मतलब इसके बिना उनका जो लाइफ है वो सर्वाइवल नहीं बचा अभी। बिजनेस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है विदाउट लैपटॉप, आप IT CS फील्ड से हैं तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है विदाउट लैपटॉप, विदाउट फोन, विदाउट टैबलेट, विदाउट पर्सनल कंप्यूटर यू कांट लिव योर लाइफ इन द IT एनवायरमेंट। ओके, ये सबसे मेन पार्ट बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। क्यों? क्योंकि एक तरह से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है इनसाइड वर्ल्ड को आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड ऑफिस से इंटरनेट के थ्रू, मतलब इंटरनेट के थ्रू आप देख सकते हैं ना, सब कुछ जान सकते हैं कि देश दुनिया में वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है। एट द टाइम ऑफ कोरोना पेंडेमिक वायरस के टाइम वी वर्क ऑन द फ्रॉम द होम, फ्रॉम द ऑफिस, देन हमने सब कुछ देख लिया कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये सारे जो मोबाइल डिवाइस है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोबाइल डिवाइस इंपॉर्टेंट है ये तो हमें पता है, लेकिन ये हमें पढ़ना नहीं है कि मोबाइल डिवाइस इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना क्या है कि इन डिवाइसेस का जो सबसे बड़ा चैलेंज है इनको सिक्योर करना, किसी भी साइबर क्राइम होने से, इस विक्टिम बनने से इसको सिक्योर करना है हमें। ये हमारा इंट्रोडक्शन है इस यूनिट का, इसमें हमें ये पढ़ना है, ठीक है। मोबाइल डिवाइस क्या होते हैं ये सब नहीं पढ़ना, हमें हमें पढ़ना है कि मोबाइल डिवाइस को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, नॉट ओनली द मोबाइल डिवाइसेस, वायरलेस डिवाइसेस को भी। तो आगे मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा। अब जो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, अब सेकंड पॉइंट क्या है कि इन द रिसेंट ईयर, हाल ही के कुछ सालों में देखा गया है कि जो लैपटॉप्स का यूज है, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी डेफिनेशन या वो फुल फॉर्म याद कर लो, PDA स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आगे इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा। और जो मोबाइल फोन्स हैं ये इनके जो यूज है वो लिमिटेड यूजर से बढ़कर के बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। डेस्कटॉप इवन पहले सिस्टम चलते थे, आपने देखा होगा, सिस्टम को रिप्लेस करके मोबाइल एंड अदर थिंग आर गोइंग टू वेरी यूजफुल फॉर द पीपल्स। तो ये सारी काफी चीजें इंक्रीज हो गई हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन है। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की। आप देख सकते हैं स्मार्टफोन क्या है, एक बहुत अच्छा एक डिवाइस है जो हमें कंबाइन करता है सारे एक्सपेक्ट मोबाइल के और वायरलेस टेक्नोलॉजीज के
एक साथ मिला के ब्लेंड देम इनटू यूजफुल बिजनेस टूल। हम स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं जो हमें दोनों ही टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है, एक आपकी मोबाइल की, दूसरी आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजीज। वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे कि आपको पता होगा वायरलेस फिडिलिटी यानी कि वाईफाई, ब्लूटूथ, एनएफसी, ये सब आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजीज आती हैं, ठीक है। तो इस आपका स्मार्टफोन है, मान के चलो आपके पास आईफोन है, एंड्रॉयड है, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो उसमें और ये बेस्ट एक्सपेक्ट है ये मोबाइल। आप मोबाइल का बेसिक फंक्शनलिटी कॉल करना होता है, और वायरलेस टेक्नोलॉजीज की बेसिक फंक्शनलिटी डाटा को शेयर करना होता है। तो जो आपका स्मार्टफोन है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये पार्ट हो गया आपका इंट्रोडक्शन का। अब बात करते हैं मोबाइल डिवाइसेस और वायरलेस की डेफिनेशन की। तो मोबाइल डिवाइसेस की मुझे नहीं लगता आपको डेफिनेशन, आपको मीनिंग ना पता हो, ऑल दो आपको हो सकता है डेफिनेशन ना पता हो। तो मोबाइल डिवाइसेस की मैं आपको इजी डेफिनेशन बता देता हूँ। मोबाइल डिवाइसेस क्या है? मोबाइल डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो कि यूज करना बहुत इजी है, इजी टू यूज। आपको पता होगा 2 साल का बच्चा भी आइकन्स को देख के यूट्यूब चलाता है, शॉर्ट्स रील ऊपर नीचे करता रहता है। तो एक डिवाइस जो यूज करने में बहुत इजी हो, इनेबल करे रिमोट एक्सेस, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस मतलब आप जहां हो वहीं से इंटरनेट को एक्सेस कर सको, मतलब कि आप अगर आप घर पे हो तो घर पे ही मोबाइल यूज कर सकते हो, ऑफिस में ऑफिस यूज कर सकते हो, एक टाइप है रिमोट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस किसको देता है? आपके बिजनेस नेटवर्क्स को और आपके इंटरनेट को, और एक तरह से क्विक ट्रांसफर ऑफ डाटा भी करता है मोबाइल के थ्रू। ये आपका मोबाइल डिवाइस है, इनेबल्स करता है क्विक ट्रांसफर्स ऑफ डाटा। ये आपकी मोबाइल डिवाइस की सिंपल डेफिनेशन होगी, और जरूरी नहीं है कि आप ये ही डेफिनेशन लिख के आओ जो मैंने आपको नोट में प्रोवाइड किया है। जो आपको मोबाइल डिवाइस है वो एक सिंपल है, सब लोग आप मोबाइल यूज करते ही हो। मोबाइल क्या होता है आप सब लोगों को अच्छे से पता है, तो आप जितना मोबाइल के बारे में जानते हो वो लिख सकते हो। ऑल्दो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, आने वाले लेक्चर्स में हम और डीप में जाएंगे तो वो सारे क्वेश्चंस आएंगे। और एक बात याद रखना, हैंड हेल्ड डिवाइसेस क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है हैंड हेल्ड डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो आराम से हम हाथ में पकड़ सकें, हाथ से ऑपरेट कर सकें, मतलब वो इतनी स्मॉल होती है कि जो हाथ से ऑपरेट हो जाती है इजिली। तो आपने देखा होगा मोबाइल आपका भी इजिली हाथ से ऑपरेट हो जाता है, तो मोबाइल आपका एक हैंडल डिवाइस है। अब बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की। तो ये आपका पहला ही टॉपिक जो है वो मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस है। तो मोबाइल हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, वायरलेस डिवाइसेस में बताता हूँ। ऐसी डिवाइसेस जिसमें विदाउट वायर डाटा शेयर हो रहा हो, ठीक है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है वो जान लेते हैं पहले। द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटे की ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा ट्रांसफर ओवर अ डिस्टेंस विदाउट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और वायर। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसफर करते हैं तो कॉपर वायर्स के थ्रू करते हैं ना, तो इसमें क्या है, नाम में ही आ रहा वायरलेस। कोई भी कम्युनिकेशन हैंड करना, कोई भी डाटा को शेयर करना, कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना विदाउट यूजिंग एनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और वायर ओवर अ डिस्टेंस, ठीक, कुछ दूरी पर डाटा भेजना हमें विदाउट केबल, विदाउट डाटा केबल्स, तो वो आपका वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। लेकिन अगर केबल नहीं होती तो होता क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। केबल नहीं होती तो इसमें ये क्या वायरलेस नेटवर्क यूज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, जिससे कि एक मीडियम प्रोवाइड करता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए थ्रू द स्पेस। अब इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं वायरलेस के, जैसे कि आपका ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, राउटर्स हो गए, ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के, मैं लिख भी देता हूँ, वाईफाई, ब्लूटूथ, एटसेट्रा, ठीक है। अब ये मोबाइल डिवाइस और वायरलेस डिवाइस आएगा तो आप आराम से लिख दोगे, इंट्रोडक्शन पार्ट पहले आपको लिखना होगा। अब बात करते हैं मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस, तो ये इनका कुछ एक तरह से इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन में आपको बता दूं कि इनकी प्रोग्रेस है, और प्रोग्रेस किस बेस पर है, ये प्रोग्रेस है परफॉर्मेंस बेस पर, यानी कि कैसा परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले जो
इवॉल्व हो गया है वो हमारे पास पेजर, उससे पहले फैक्स वगैरह एसटीडीज वगैरह सब चलती थी, वो आपको नेगलेक्ट करनी है क्योंकि हमारा जो मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पार्ट है वो है इंटरेस्ट ऑफ पार्ट मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस। तो सबसे पहले मोबाइल आने से पहले पेजर चलते थे। आप अपने मम्मी पापा से पूछना, अगर आप पूछना चाहो तो वो बताएंगे पेजर क्या होता है। तो पेजर मैं भी आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये क्या था, खाली रिसीव कर सकता था यानी कोई भी डेटा भेज नहीं सकता था, और इस पे छोटी सी डिस्प्ले होती थी। और डिस्प्ले ऐसा नहीं कि बहुत उस पे जीटीए सैन एंड्रियास चल रहा है, गेम चल रहा है, पबजी चल रहा है, ऐसा नहीं। सिर्फ उस पे इंफॉर्मेशन लिखी आती है, जैसे कैलकुलेटर की स्क्रीन होती है इस तरह से, उस पे मैसेज आता है हेलो ऐसे करके। तो पेजर था जो कि सिर्फ डाटा रिसीव करता था, उसमें छोटी डिस्प्ले होती थी और खाली टेक्स्ट मैसेजेस, कोई वीडियो नहीं, कोई ऑडियो नहीं। उसके बाद आपका है मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस वो नहीं जो आप यूज करते हैं पहले, जो नोकिया वगैरह चलते थे, नोकिया 3110, 3310, आपने तो यूज भी नहीं किया होगा। हमने अपने टाइम पे बहुत यूज किया था नोकिया का फोन। तो उसमें क्या है, सिंपल एक वॉइस ट्रांसफर हो सकती थी, डाटा ट्रांसफर हो सकता था, सिंपल ग्राफिकल डिस्प्लेस होती थी, यानी कि खाली हम फोन पे बात कर सकते थे। ब्लूटूथ, यूयू हनी सिंह का एक जमाना चलता था। अब तो आप लोग काफी नए नए सिंगर्स आ गए, उनके फैन होंगे, एपी डिलोन सब वगैरह के, लेकिन पहले जो सॉन्ग्स चलते थे वो यूयू हनी सिंह के बहुत चलते थे। वो हम ब्लूटूथ से शेयर करते थे 2G 3G के जमाने में। तो ये आपका मोबाइल फोन होते थे, वो वॉइस और डाटा शेयर कर सकते थे, सिंपल ग्राफिकल डिस्प्ले, यानी सिंपल आप उसमें ग्राफिक्स चलते थे, बहुत सिंपल वाले, बहुत हाई लेवल हाई एंड के नहीं, सिंपल। उसके बाद आपका आता है पीडीए। मैंने आपको पीडीए बताया था, आगे आपसे कोई नहीं बोलेगा कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इतना बड़ा नाम कोई नहीं बोलेगा। पीडीएस आएगा तो आपको अपने आप दिमाग लगाना है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब ये क्या, ये लैपटॉप नहीं आया था ना, तो लैपटॉप से पहले यही चलते थे। इसमें क्या होती थी, ग्राफिकल डिस्प्लेस होती थी, एक डिस्प्ले यानी कि जिसमें ग्राफिक्स चलते थे। दूसरा कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कैरेक्टर को भी रिकॉग्नाइज करती थी। और तीसरा इसमें सिंप्लीफाइड डब्ल्यू 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 था। डब्ल्यू डब्ल्यू आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताया था, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि एक तरह से ब्राउजर भी प्रोवाइड करता था हमारे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। सिंप्लीफाइड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं, सिंपल एक वेब ब्राउजर था इसमें, जिससे आप सर्च कर सकते थे। जैसे आप उस टाइम तो मेरा चैनल नहीं था, लेकिन आप जो पीडीएस में सर्च करोगे आई टेक वर्ल्ड एक्टिव, तो मेरा चैनल निकल के आ जाता उसमें, ठीक है, सिंपल ब्राउजर था। उसके बाद जो आए वो आए स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन में क्या था, एक टिनी कीबोर्ड था, छोटा सा कीबोर्ड जो अभी आप यूज करते हैं, वर्चुअल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है, डिपेंड टू द मॉडल एंड ब्रांड्स ऑफ द स्मार्टफोन। और उसमें सिंपल वर्जन होते थे, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सच एज इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब एप्लीकेशन होते थे। तो आप देख रहे हैं हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इवॉल्व करते जा रहे हैं, पहले पेजर, फिर मोबाइल फोन, फिर पीडीएफ, फिर स्मार्टफोन। तो जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी फंक्शनलिटीज और परफॉर्मेंस भी बढ़ती जा रही है। तो ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आप याद रखना, यहाँ से माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, ये बढ़ती जा रही है परफॉर्मेंस उनकी, फंक्शनलिटी, ठीक है, ये बात आप याद रखना। उसके बाद एट दी एंड हमारे पास आया लैपटॉप, और कुछ लोग इसे नोटबुक भी बोलते हैं, और ये अब तक का स्मार्टेस्ट मोबाइल डिवाइस है, वायरलेस डिवाइस है। एक बात याद रखना, आप सारे ही जो मोबाइल डिवाइस होंगे वो आपके वायरलेस डिवाइसेस होते ही हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि वॉइस डाटा उसमें सब होता है, लेकिन सारे वायरलेस डिवाइसेस आपके मोबाइल हो ऐसा कंफर्म नहीं है। तो इस बात को आप याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक बार मैं आपको और बताता हूँ, जितने भी हमारे पास मोबाइल होंगे वो वायरलेस होंगे। क्यों, क्योंकि फोन कर रहे हैं हम, वायरलेसली कर रहे हैं, लेकिन जितने भी वायरलेस डिवाइस होंगे वो हमारे जरूरी नहीं है मोबाइल होंगे, मोबाइल भी हो सकते हैं, ब्लूटूथ माइक्स भी हो सकते हैं, वाईफाई रिलेटेड राउटर्स भी हो सकते हैं। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है, ओके। अब लास्ट आता है हमारा लैपटॉप और नोटबुक, बोलते हैं फुली फंक्शन होता है, आप इससे कुछ भी करवा लो, ये टच भी होता है, मतलब काफी सारे लैपटॉप टच स्क्रीन भी आते हैं, इसमें सारे स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस भी चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटीज वगैरह सब खुलती हैं इसमें, ठीक है। तो फुली फंक्शन होता है इसका, इसका लो परफॉर्मेंस होता है पेजर का, इसका हाई होता है। और आज के जमाने में पेजर, मोबाइल फोन्स तो चलते हैं, पीडीएस ये सब बंद हो गए हैं। अब जो ट्रेंड चल रहा है वो है आपका स्मार्टफोन का, आप लोग यूज भी करते होंगे, एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं या फिर आपका आईफोन यूज कर रहे हैं, और लैपटॉप यूज कर रहे होंगे, मैकबुक, मैकबुक मान लो, या फिर
हाई एंड जितने भी लैपटॉप्स हैं वो सब, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रोफाइलाइजेशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। अभी हमने इस लेक्चर को सिर्फ एज अ इंट्रोडक्शन रखा है, अब इसके बाद हम डीप डाइव करेंगे यूनिट नंबर 2 में और गहराई से पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 के सारे ही टॉपिक्स पढ़ेंगे हम, प्रोफाइलाइजेशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस और बाकी सारे टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 8 में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलना मेरी वीडियो को। अगर कोई डाउट हो तो अभी कमेंट करो, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल आपका रिप्लाई करूंगा कमेंट का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे, वहां से आप इनको एक्सेस कर लेना, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 9 में प्रोफाइलाइजेशन की, प्रोफाइलाइजेशन क्या होता है वो भी हम सबसे पहले बताएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखें। थैंक यू।